नया फोटोकॉपियर बिजनेस सेटअप करने के लिए। फोटोकॉपियर बिजनेस में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी तरह की मशीनरीज है और बहुत तरह की सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन सारे पॉइंट्स को टच करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स में आपको ज्यादा प्रॉफिट है और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आप प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते, पर उन्हें आपको रखना पड़ेगा नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में इन डिटेल में अगर मैं बोलूं तो हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और अलग अलग तरह की मशीन जो यूज आती है एक फोटोकॉपियर की दुकान में या शॉप में, और किस तरह की मशीन्स आपको रखनी चाहिए, किस तरह की मशीन्स और किस तरह के एक्सपर्टीज आपको धीरे धीरे डेवलप करनी चाहिए अलग अलग मार्केट के हिसाब से। स्कूल्स और कॉलेजेस अपने आप में एक मार्केट है, कंपनीज अपने आप में एक मार्केट है, गवर्नमेंट का जो RTO ऑफिस है, GHMC ऑफिस है, कोर्ट्स है, मैरिज ब्यूरोज है, वो भी एक तरह के मार्केट हैं। और इन अलग अलग मार्केटों में आप किस तरह से अलग अलग तरह के बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं विद इन द फोटोकॉपियर शॉप। तो सबसे पहले मशीन्स के बारे में बात करते हैं और मशीन्स विद कंपैरिजन टू अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग साइज के बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि फोटोकॉपियर क्या है। फोटोकॉपियर मतलब जेरोक्स की दुकान। इट्स अ सिंपल स्मॉल जेरोक्स शॉप। सुनने में बहुत ही छोटी मोटी चीज लगती है कि यार जेरोक्स की दुकान कौन सेटअप करता है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट बहुत ही डेवलप्ड, लेट मी से कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया है। और फोटोकॉपियर दुकान सभी के लिए एक तरह से स्टेपिंग स्टोन होता है कि स्टार्टिंग में फोटोकॉपियर की दुकान सेटअप करते हैं बट बाद में धीरे धीरे दूसरी फील्ड्स में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए होगी एक फोटोकॉपियर मशीन। हम लोग कैनन कंपनी की फोटोकॉपियर मशीन सेल करते हैं एंड इसमें हम ऐसी मशीन आपको दे रहे हैं जो वाईफाई के साथ है, तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह या फिर कस्टमर के मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं अपनी जेरोक्स मशीन को। सिमिलरली हम लोग आपको एक इंकजेट कलर प्रिंटर भी सजेस्ट करेंगे हमारे इस बेसिक सेटअप के अंदर। इस बेसिक सेटअप के अंदर हम आपको ये चार मशीनें सजेस्ट कर रहे हैं कि एक आप फोटोकॉपियर मशीन लेंगे हमसे, दूसरा लेंगे इंकजेट फोटो इंकजेट कलर प्रिंटर, तीसरा लेंगे एक पेपर कटर या फिर एक पेपर कम लैमिनेशन कटर, एक 2-in-1 कटर हो गया जिसमें पेपर भी कटता है और लैमिनेशन भी कटता है। और क्योंकि आप लैमिनेशन काटने वाले हैं तो आपको लैमिनेशन मशीन की भी जरूरत होगी। ये हो गया एक बेसिक सेटअप। सेकंड सेटअप है जिसमें बेसिक प्लस एक्सपेंडेड सेटअप। एक्सपेंडेड सेटअप यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में दुकान लगाई बेसिक सेटअप के साथ, धीरे धीरे आपका बिजनेस जम गया, अब आप अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, तब आप ये एक्सपेंडेड सेटअप को इनकॉर्पोरेट करेंगे या एक्सपेंडेड सेटअप को परचेस करेंगे। इसमें आता है आईडी कार्ड का कटर, दूसरा आता है हैवी ड्यूटी स्टेपलर, तीसरा आता है स्पाइरल बाइंडिंग मशीन। यहां तक तो हो गया एक बेसिक छोटी सी दुकान के लिए सेटअप। अब हो जाता है कि अगर आप एक नई दुकान सेटअप करने वाले हैं, आपके लिए मार्केट में आप नए हैं और आपकी एज भी यंग है, या फिर आप एक रिटायर्ड एज में हैं और आपको एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो फोटोकॉपियर बिजनेस या फोटोकॉपियर की शॉप्स एक अच्छा ऑप्शन है। और ये जो नीचे के दो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर कंपनीज एंड फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, फॉर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर RTO, फॉर अदर एजेंसीज एंड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सेटअप है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है बट वो अब अपने बिजनेस में और मुनाफा चाहते हैं और प्रॉफिट चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर अपने आप को नए टेक्निकल चैलेंजेस के साथ एनकरेज करना चाहते हैं। तो ये थोड़े काफी सारे हाई एंड कुछ इसमें हाई एंड मशीन्स भी हैं, जैसे 1-1.5 लाख की मशीन्स भी हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसी मशीन्स भी हैं जो 60,000-50,000 रेंज की हैं। और साथ ही साथ इन हर एक मशीन का एक अपना अलग पर्पस है, अपना अलग मार्केट है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कंपनीज को लेंगे तो कंपनीज, जैसे अगर बड़ी कंपनीज आप ले लेंगे और आपकी मान लीजिए आपकी जो शॉप है वो पास में है किसी बड़ी कंपनी के, तो उन्हें अलग अलग तरह के बाइंडिंग्स की बहुत जरूरत होती है। जैसे अगर आपकी ऑफिस कोई गवर्नमेंट ऑफिस के पास में है, जैसे BSNL की जो BSNL केंद्र है उसके पास में है, तो वहां पे थर्मल बाइंडिंग की बहुत डिमांड होती है, कोम बाइंडिंग की बहुत डिमांड होती है। अगर आप DRDO के आसपास आपका अगर ऑफिस है तो वहां उन्हें कोम बाइंडिंग की हर हफ्ते हर रोज ही जरूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर आप कंपनीज
कोई कंपनी का हब है, वहां आपकी एक प्रिंट शॉप हो या फिर एक फोटो कॉपिंग शॉप हो, तो उस केस में उन्हें वायरो बाइंडिंग की बहुत डिमांड होती है। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए कोई स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जहां आप उन्हें आंसर शीट की जेरोक्स बना के दे रहे हैं या क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स बना के दे रहे हैं या फिर उनका कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसका आप उन्हें जेरोक्स बना के दे रहे हैं, तो उस केस में आपको रिम कटर जैसे प्रोडक्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। और वही मान लीजिए आपकी जो ऑफिस है कोई आरटीओ के पास में है या जीएचएमसी के ऑफिस के पास में है या फिर अदर कार्ड इशूइंग आइडेंटिटी कार्ड इशूइंग अथॉरिटी के पास में है, जैसे आधार केंद्र के पास में हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस के पास में हो जहाँ पैन कार्ड वगैरह कोई इशू होते होंगे, तो वहाँ आपको पीवीसी कार्ड प्रिंटर अगर आप रखेंगे तो आपको काफी सारा बिजनेस जनरेट होगा। सिमिलरली अगर आपकी ऑफिस या दुकान या शॉप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में है तो आपको A0 लैमिनेशन, जो 40 इंच के बड़े लैमिनेशन होते हैं फॉर मैप्स प्लॉटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उस केस में आपको ये मशीन बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। इन साथ ही साथ और कई सारी मशीन्स मटेरियल सर्विसेज हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं फोटोकॉपियर शॉप्स को, प्रिंट शॉप्स को। आने आने वाली वीडियो में आगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप, ये बेसिक सेटअप की स्लाइड है। ऑलराइट, सो इस बेसिक सेटअप के अंदर हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कैनन का फर्स्ट हैंड। मार्केट में आजकल ज्यादातर सेकंड हैंड है, पर सेकंड हैंड क्योंकि जीएसटी आने के बाद बैंड हो चुका है, तो हम लोग यहाँ आपको सजेस्ट कर रहे हैं कैनन का IR2006N वाईफाई का मॉडल है। और यहाँ हम लोग आपको एक सजेस्ट करेंगे कि इंकजेट कलर प्रिंटर। ध्यान रहे कि ये जो फोटोकॉपी मशीन हमने यहाँ पे सजेस्ट किए है ये ब्लैक एंड व्हाइट है और ये जो इंकजेट का प्रिंटर है ये कलर है। एंड यहाँ पे ये कटर है जो पेपर भी काटता है साथ ही साथ लैमिनेशन भी काटता है, और ये एक हैवी ड्यूटी लैमिनेशन मशीन है जो आपके A4, A3, ID कार्ड वगैरह साइज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लैमिनेशन कर सकती है। इनकेस जिन्हें पता ना हो, फोटोकॉपियर शॉप इज जस्ट लाइक अ जेरॉक्स शॉप, इट इज अ जेरॉक्स शॉप विथ मल्टीपल सर्विसेस। तो जब आप ये सेटअप ले रहे हैं तो इस सेटअप का मोटा मोटा खर्चा लगभग आ जाता है 90 to 1 lakh रुपीज, जिसमें आपको एक मशीन आ जाती है कलर ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स मशीन आ जाती है अप टू A3 साइज फ्रंट एंड बैक ऑटोमेटिक विद मोबाइल ऐप, साथ ही साथ आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहती है ये एक एप्सन का एक इंकजेट प्रिंटर भी हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और फिर एक लैमिनेशन मशीन है और ये एक पेपर कटर है। इस इन्वेस्टमेंट का एक रफ खर्चा है लमसम 1 lakh रुपीज। यहाँ हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट मशीन इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट सबसे सस्ता है और उसी की ज्यादा डिमांड है। सेकंड हमने आपको सजेस्ट किया है एक कलर प्रिंटर। कलर प्रिंटर आपको थोड़ी डिमांड कम है बट इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। आपको इसमें कलर प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ेगी लगभग 75 पैसा और वहीं एक कलर जेरोक्स बिकता है मार्केट में 10 रुपए, तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सिमिलरली लैमिनेशन हमने यहाँ सजेस्ट किया है, जैसे मान लीजिए कलर जेरोक्स जो है 10 रुपए में बिकता है, वही अगर आप उस कलर जेरोक्स को लैमिनेशन करके बेचेंगे तो वो बिकेगा 20 रुपए में, जबकि आपकी लागत रहेगी 2 से 3 रुपए। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी प्रॉफिट कितना है, बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में हैं, आपकी एरिया कौन सी है, आप कौन सी लोकेलिटी में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। अगर आप स्कूल्स कॉलेजेस के आसपास सेटअप करेंगे तो आपके पास नॉन स्टॉप कस्टमर आते रहेंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। वहीं अगर आप कहीं दूर दराज कोई सोसाइटी में सेटअप कर रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप कर रहे हैं, तो कस्टमर का मूवमेंट थोड़ा कम रहेगा। ये है ये जो है मैं यहाँ पे स्लाइड सेटअप किया है एक एक्सपेंडेड सेटअप, मतलब आपने बेसिक सेटअप कर लिया, अब आप बड़े सेटअप के, अब आप उसी बिजनेस को और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो इस सेटअप के अंदर आपको ये 4 मशीन तो लेनी है, उसके साथ साथ ये 3 मशीन और लेनी है। 3 मशीन कौन सी है? ये है हैवी ड्यूटी स्पाइरल बाइंडिंग मशीन, ये है आईडी कार्ड का डाई कटर और ये है स्टेपलर। क्योंकि लोग अपनी बुक्स लेके आते हैं जेरोक्स निकालने के लिए, अपनी किताबें लेके आते हैं, कोई टेक्स्ट बुक लेके आता है, कोई नोटबुक लेके आता है, कोई स्कूल के पूरे नोट्स लेके आता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें 40-40, 50-50 पेज होते हैं। और लोग आजकल जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हर बंदा कम से कम उसकी 3-4 कॉपी अलग अलग जगह पे रखता ही है। सिमिलरली फॉर स्कूल के नोट्स, एक स्कूल में 40-50 बच्चों का ग्रुप होता है तो सभी लोग नोट्स कॉपी करते हैं, तो उस केस में आपको बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने बाइंडिंग नहीं रखी और आप कहेंगे कि नहीं आप बस टेक्स्ट बुक दे दो, मैं बस जेरोक्स करके दे दूंगा, मैं बाइंडिंग नहीं कर सकता, तो वो बंदा आपके पास आएगा ही नहीं जेरोक्स लेके आने के लिए। तो आपको फर्स्ट बाइंडिंग भी रखनी पड़ेगी।
सेकंड यहाँ पे हमने स्टेपलर बाइंडिंग भी दी है और हमने यहाँ पे आपको स्पाइरल बाइंडिंग भी दी है। दो ऑप्शंस क्यों दिए हैं, एक ही काम के लिए दो ऑप्शन क्यों दिए हैं? ताकि जब आपके पास कस्टमर आए तो आप उसे ऑप्शन दो कि अगर आपको स्टेपलर बाइंडिंग करानी है तो 20 रुपए खर्चा, अगर आपको स्पाइरल बाइंडिंग करानी है तो आपका 40 रुपए खर्चा। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को जब आप दो ऑप्शन देते हो कि लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी, इसे आप नाम दे दीजिए हाई क्वालिटी, जब आप कस्टमर को ये ऑप्शन दोगे कि भाई मेरे पास लो क्वालिटी हाई क्वालिटी आपको कौन सा चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए लो क्वालिटी चाहिए, वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि उसे बाइंडिंग कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका, वो आपको हाई क्वालिटी का ही बात बोलेगा, तो आपको यहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली जब आप यहाँ इस लैमिनेशन मशीन का इस्तेमाल करते हुए आईडी कार्ड लैमिनेट कर रहे हो या आधार कार्ड लैमिनेट कर रहे हो तो आप उसे ऑप्शन दे सकते हो कि सर आपको कार्ड हाई क्वालिटी चाहिए या लो क्वालिटी। लो क्वालिटी बोलेगा तो आप इस कटर से उसे नॉर्मल कटिंग करके दे दोगे, उसमें राउंड कॉर्नर्स नहीं आएंगे, उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। वही अगर बंदा बोले कि मुझे हाई क्वालिटी चाहिए, मुझे अपना जो कार्ड है एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ कटिंग के साथ चाहिए, तो आप उसे कहोगे कि ठीक है उसका 10 रुपए एक्स्ट्रा और आप इस कटर का इस्तेमाल करके कार्ड को एकदम फिनिशिंग के साथ कट करके दे देंगे। इनकेस आपको पता नहीं है कि आईडी कार्ड को कैसे बनाया जाता है, कैसे कट किया जाता है, तो इन सारे डिटेल, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने हमारी इंडिविजुअल डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.skgraphics.in या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, और उसमें आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी, हर एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो मिल जाएगी कि भाई स्पाइरल बाइंडिंग मशीन कैसे यूज करनी है, आईडी कार्ड कटर कैसे यूज करना है, ये स्टेपलर कैसे यूज करना है, ये जेरोक्स मशीन कैसे यूज करनी है, एप्सन का प्रिंटर कैसे यूज करना है, लैमिनेशन का कटर कैसे यूज करना है, लैमिनेशन मशीन खुद कैसे यूज करनी है। सो जितने आप इमेजेस देख रहे हैं उतने वीडियोस भी हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में डाल रखी है। ये वीडियो हम लोग बस इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया दे सकें कि अगर आप नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मशीन हमसे परचेस करनी चाहिए। अगले सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेटअप हो गया, मान लीजिए आपका दुकान, ये जो सेटअप मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये उन लोगों के लिए है जिनकी दुकान ऑलरेडी सेटअप है बट अब वो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं या फिर उन्हों और अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया फोटोकॉपियर सेटअप फॉर कंपनीज प्लस गवर्नमेंट। तो अगर मान लीजिए आपकी जो दुकान है, लकीली आपकी जो दुकान है आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उनके आसपास, या फिर आपकी जो दुकान है उनके आसपास कई सारे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं। कंपनीज, बड़ी कंपनीज को हर क्वार्टर पे यानी हर 3 महीने में रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, रिपोर्ट प्रिंट मारनी होती है, अंदाजन उन सबके लिए उन्हें बाइंडिंग की बहुत जरूरत होती है। तो आपको डबल बिजनेस आएगा, एक तो आप उनकी रिपोर्ट्स भी प्रिंट करोगे प्लस उनकी बाइंडिंग भी करोगे। कंपनीज का टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का होता है, उनकी उनका होता है कि भाई हमें पैसे से अभी कनेक्शन नहीं है, हमें पहले क्वालिटी दो, क्वालिटी लेने के बाद फिर वो आपसे बार्गेन करेंगे। समझ रहे हैं आप, जब आप स्टूडेंट्स और स्कूल के मार्केट में जा रहे हो तो उन्हें बस सस्ते से मतलब है। कंपनीज को चाहिए क्वालिटी, उन्हें चाहिए क्वालिटी एकदम हाई लेवल की। फर्स्ट क्वालिटी डिसाइड होगी, उसके बाद रेट डिसाइड होगी, क्वालिटी इज फर्स्ट, रेट उसके बाद में वो आपसे बार्गेन करेंगे। वहीं अगर आप स्टूडेंट मार्केट में जा रहे हो तो रेट चाहिए उन्हें डाउन, उसके बाद वो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोनों मार्केट में बहुत फर्क है। तो अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जहां ज्यादा रेट मिल रहा है वहीं फोकस करेंगे। तो यहां हमने एक काफी अच्छी ही लेटेस्ट इनोवेटिव मशीन है, ये 2-in-1 स्पाइरल बाइंडिंग मशीन। इस मशीन में आप स्पाइरल बाइंडिंग भी कर सकते हो और वायरो बाइंडिंग भी कर सकते हो। कंपनी ज्यादातर वायरो बाइंडिंग प्रिफर करती है और स्कूल के बच्चे वो ज्यादातर स्पाइरल बाइंडिंग प्रिफर करते हैं। तो आप एक ही मशीन के अंदर दोनों मार्केट को टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गया कंपनीज के लिए। अब मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस के पास में है, जैसे आरटीओ, आधार केंद्र, मेट्रो ऑफिस के पास में हो या फिर कोई और अन्य मैरिज ब्यूरो के पास में हो, तो वहां उन्हें जो गवर्नमेंट का जो टेस्ट है, गवर्नमेंट का टेस्ट उन्हें रेट से मतलब नहीं है, उन्हें बस क्वालिटी से मतलब है। और उन्हें कॉर्पोरेट नहीं कहूंगा, एकदम प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल लुकिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जो टैम्पर नहीं किया जा सकता और जो बहुत ही स्लीक और डिसेंट लुकिंग हो। तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे DRDO हो गया, मैरिज ब्यूरोज हो गया, वहां आपको कोम बाइंडिंग बहुत कॉमन है और वहां थर्मल बाइंडिंग भी बहुत कॉमन है। और इन दोनों मशीन्स का भी डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं इन मशीन्स के ऑपरेशंस के बारे में जानने के लिए।
सिमिलरली इस टू इन वन स्पाइरल बाइंडिंग मशीन का भी वीडियो, डिटेल वीडियो हमने हमारे एसके ग्राफिक्स वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहां जाके इसका डिटेल वीडियो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगले सेटअप के बारे में बात करूं तो अगर मान लीजिए आपका फोटोकॉपियर शॉप है और आप ऑलरेडी बहुत पुराने हैं इंडस्ट्री में, अब आपको अपने ऑफिस को अपडेट करना है, आपके प्रोडक्ट्स को अपडेट करना है और आप किसी तरह के गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हो या फिर कोई स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हो। मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास शॉप है तो वहां ये जो लैमिनेशन मशीन है A0 साइज की, वहां आपका ये प्रोडक्ट बहुत ही सही काम करेगा। या फिर आपका कोई इंजीनियरिंग कंपनी के साथ टाई अप है कि आप अपनी बड़ी बड़ी जो 40 इंच की बड़ी ड्राइंग्स होती है, 30 इंच की बड़ी ड्राइंग्स होती है, मैप्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड की कोई कंपनी के आसपास आपका टाई अप है, आप उनके लिए एक एजेंसी के जैसे काम कर रहे हैं कि आप बस प्रोडक्ट पेपर देते जाइए, हम लोग लैमिनेशन कर करके आपको डिलीवरी देते जाएंगे, तो उस केस में उस लाइन ऑफ बिजनेस के लिए ये A0 साइज का लैमिनेशन मशीन बहुत ही परफेक्ट फिट है। इंजीनियरिंग मार्केट के लिए, कंस्ट्रक्शन मार्केट के लिए, बड़े प्लॉटर और बड़े मैप्स की लैमिनेशन के लिए, या फिर मान लीजिए आपका कोई बड़े प्रिंटिंग प्रेस के साथ टाई अप है जहाँ पे वो बड़े साई बाबा की फोटो या कोई भगवान का फोटो या कोई कैलेंडर का फोटो बहुत ही बड़े साइज का लैमिनेशन करते हैं, तो ये मशीन उसके लिए भी आपके लिए परफेक्ट है। सिमिलरली अगर आपका CSE सेंटर है, ई सेवा है, मी सेवा है, या AP ऑनलाइन है, या TS ऑनलाइन है, या कोई CSE सेंटर है, या आधार केंद्र है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है आपकी गवर्नमेंट के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास आपके पास ये थर्मल प्रिंटर भी है। थर्मल प्रिंटर अलॉन्ग विद द रिबन्स एंड द PVC कार्ड्स, अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग एंड अलॉन्ग विद द इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया। तो इन सब केसेस में आपको हम लोग प्रिंटर भी सप्लाई कर सकते हैं। जहां आपको प्रिंटर किस चीज के लिए सप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको PVC कार्ड प्रिंट करने हो, PVC कार्ड क्या होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड, कंपनी के कार्ड, गवर्नमेंट के कार्ड, मेंबरशिप कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, ये तो टोटल 9 कार्ड मैंने आपको गिनाए जो एवरेज कॉमन कार्ड्स हैं। इसके अलावा भी और कई अन्य कार्ड्स हैं जैसे आयुष्मान भारत कार्ड और ऐसे अन्य कई तरह के गवर्नमेंट कार्ड्स हैं, जैसे मेट्रो का भी कार्ड हो गया, बट खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे अन्य कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड जॉब्स होते हैं जिसमें आपको कोई बड़ी कंपनी के साथ काम करना होता है, और अगर आपका कोई वेल एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी दुकान है आपकी जो चल रही है काफी सालों से और आपकी काफी रेपुटेशन बन गई है, तो आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। और अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं, इस तरह के PVC कार्ड प्रिंटिंग के बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं या फिर आप हमारे SK ग्राफिक्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे भी टाइप कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी हम लोग ऐसे और वीडियोस बनाएं, ऐसे और प्रोडक्ट्स आपके पास लेके आए या फिर और नए बिजनेस प्रपोजल या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोडक्ट्स आपके पास लेके आए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, ये हो गया PVC कार्ड बिजनेस के लिए, ID कार्ड बिजनेस के लिए, और ये हो गया रिम कटर। रिम कटर यानी रिम का मतलब होता है 400 से 500 पेज का एक बंडल। रिम का मतलब हो गया 500 पेज का एक बंडल। A3 यानी A3 साइज का पेपर, कटर यानी कटर। सो मान लीजिए अगर आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास आपकी ऑफिस हो, दुकान हो, शॉप हो, तो वहां क्या होता है, बल्क जेरॉक्स निकलते हैं, बल्क में प्रिंटआउट्स निकलते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो उनके प्रिंटआउट्स हो वो A4 साइज के हो। कई बार उनके जो प्रिंटआउट्स हो अलग अलग साइजेस के होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको प्रिंट भले ही आप A4 में निकाल दे, क्योंकि आपका प्रिंटर A4 साइज का हो या A3 साइज का हो, फिर प्रिंट होने के बाद आपको पेपर कट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे उनका कोई क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर साइज होता है A5, आपका प्रिंटर है A3, और अगर आप A3 प्रिंटर में A5 साइज का प्रिंटआउट निकालेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, A3 साइज में प्रिंटआउट निकालेंगे और इस कटर की मदद से उसे A5 साइज में काट देंगे। उसमें आपके पेपर की भी बचत होगी, प्रिंटर के इंक की भी बचत होगी, प्लस प्रिंटर की जो वारंटी है उसकी भी बचत होगी। ऐसे ये तो बस मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे और कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप जेरॉक्स फोटो स्टूडियो की दुकान के साथ साथ एक कोई फोटो स्टूडियो भी आपने सेटअप कर रखा है, कोई छोटा प्रिंटिंग प्रेस भी सेटअप कर रखा है, या फिर आपने जेरॉक्स की दुकान के साथ साथ छोटा बेबी ऑफसेट का भी सेटअप लगा रखा है, तो इन सारे केसेस में आपका ये रिम कटर काम आएगा।
और आगे ये है हमारी अदर्स कैटेगरी। ये ऐसे कुछ चार ऑप्शंस मैंने यहाँ पर दिए हैं मेरे अंदाजे से, जो आपको और बिजनेस में सेटअप या बड़ा करने में हेल्प होगा। ये तो है एक गिफ्ट शॉप की कैटेगरी का आइटम है। जनरली फोटोशॉप का जो फोटो कॉपियर का जो बिजनेस है वो तो आपकी जेरोक्स की मशीन काम कर ही रही है, उसके साथ साथ जो आपके कस्टमर जो भीड़ आपकी दुकान में आ रही है उनको आप और क्या बेच सकते हो, उन्हें आप गिफ्ट आइटम्स बेच सकते हो, जैसे मग्स हो गए, कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, जिसमें उनका खुद का चेहरा, उनकी फैमिली का चेहरा या फिर हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह कोई और दूसरे बैनर्स और पोस्टर्स आप प्रिंट करके उन्हें सप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए स्कूल्स और कॉलेजेस या स्पेशली मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास आपकी दुकान है, तो वहां आपने फ्रेंडशिप डे आ रहा है, तो फ्रेंडशिप डे से पहले आपने टी शर्ट बना के दे दी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम फलाना टू फलाना। तो जब वो टी शर्ट देखेगा और देखेगा कि यार आज तो फ्रेंडशिप डे है, मैं अपने दोस्त के लिए, अपने पूरे ग्रुप के लिए एक टी शर्ट ऑर्डर कर देता हूँ, या फिर टीचर्स डे से पहले आप टीचर्स डे के मग्स, टी शर्ट और कप्स के सैंपल्स बना के रख दीजिए आपकी दुकान पे, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे और अपने खुद के फोटोज देंगे आपको प्रिंट करने के लिए कि भैया ये लीजिए, मेरा मेरे नाम का कप प्रिंट कर दो, या फिर मेरे टीचर के लिए ये कप प्रिंट कर दो। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आप एक छोटी पीवीसी कार्ड की मशीन है एप्सन कंपनी की, जो हम लोग मॉडिफाई करके बेचते हैं, और आप ये छोटा सा सेटअप भी ले सकते हैं इंकजेट पीवीसी कार्ड प्रिंट करने के लिए, ताकि लोग चलते फिरते आपकी दुकान पे आए और बोले कि आधार कार्ड का एक डुप्लीकेट बना दो, वोटर कार्ड का एक और कॉपी बना दीजिए। इस तरह का कोई छोटे मोटे जॉब्स जो आप और ऐड करना चाहते हैं आपके बिजनेस में, आपके टाइम को और अच्छा यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप या तो एपी फिल्म भी ले सकते हैं या फिर ये इंकजेट पीवीसी कार्ड का प्रिंटर भी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। दोनों के ही डिटेल्ड वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट में डाल चुके हैं, कृपया उन्हें जरूर विजिट कीजिए। और इन सारे बताए गए प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर और डिटेल जानना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर एक बार मैसेज कर दीजिए, हम लोग वहां से आपको पूरी डिटेल दे देंगे। सिमिलरली अगर आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह के कार्ड्स बनाना चाहते हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइड रिजल्ट देंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल अपडेट आपके पास लगातार आती रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड आप हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिए www.skgraphics.in, एंड वहाँ पे भी आपको पूरे हमारे ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज, हमारे सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स, हमारा एड्रेस, हमारे फोन नंबर्स, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।